नमस्कार दोस्तों, सिवान के सारे वासियों, पत्रकार बंधु, जनप्रतिनिधि, डॉक्टर्स और आम जनता, मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज दो चार दिनों में पूरे सिवान में अफरा तफरी मची हुई है, खास करके मेडिकल फैटर्निटी में जैसे आग लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉक्टर कभी मरीज का था ही नहीं और कभी मरीज ने डॉक्टर को अपना माना ही नहीं। इस संकट की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है विश्वास। ये विश्वास की डोर जो हम लोगों के बीच टूट रही है, इसमें हमें सभी भागीदारों को, जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार बंधुओं को, डॉक्टरों से भी ये निवेदन करूंगा कि जो ये खाई है इसको बांटने का नहीं, इसको कम करने की हम कोशिश करें। हम इस चीज़ के गवाह बने कि हम इस आग को किस तरह से बुझाएं, हम इस आग को लगाने वाला ना बने। गलतियां बहुत जगह है, बहुत जगह सुधार करना है, लेकिन ये हमारा सिवान है, ये आपका सिवान है और इसमें हम ही लोगों को रहना है। अगर ये सिवान का माहौल सही नहीं रहेगा तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। एज ए डॉक्टर मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, एज ए जनप्रतिनिधि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए अच्छा नहीं है, पत्रकार बंधु भी तो यहीं के हैं और कोई नहीं चाहता है कि कुछ ये हो। अधिकतर पत्रकार बंधुओं से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। कुछ लोग मुझे अपना अनुज भाई मानते हैं, कुछ लोग अपना भाई समझते हैं और कुछ लोग मुझे भाई का दर्जा देते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस संकट के घड़ी